तो भाई ठंड का टाइम आ गया, अभी देख जिंदगी आज बर्बाद होने वाली है भाई। होता ना जहाँ लिखा होता है वहाँ पे आदमी जाएगा जरूर। भाई ट्राले का एक नट ये टायर का टूटा हुआ है, इसको चल के ना दिल्ली में इसका काम करवाएंगे, लगवाएंगे। तो है गाइस कैसे आप लोग, हाई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग करते स्टार्ट, और फाइनली हमारे पीछे चल रहा है फटफटिया भाई जनरेटर, जो कि कंप्रेसर का काम करता है। सामने देख सकते हो वही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है फटफट फटफट का। भाई अपने टायर वायर चेक कर लेते हैं, और भाई सही इसमें थोड़े हवा कम दिख रहे हैं भाई, आगे चल के डलवाएंगे। क्योंकि थोड़ा ज़मीन आड़ी टेढ़ी रहती है ना, तो उसके वजह से भी थोड़े हवा कम दिखते हैं, क्योंकि मतलब टायर पे दबाव ज़्यादा हो जाता है, वजन दबाव ज़्यादा आता है ना इसके लिए। तो ये टायर भी दो ठीक कर लेते हैं, मस्त भाई है। चलो फिर भाई अब ना अपना प्रेशर भी बन गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी चालू कर दी थी, क्योंकि भाई प्रेशर भी बनना 5 मिनट में प्रेशर बन जाता है अपना, तो टाइम लगता है इसके लिए गाड़ी चालू कर दी थी भाई। प्रेशर अपना कल बन गया है, क्योंकि अभी पी 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 का आवाज़ आ रहा है, यानी 4 से ऊपर ही है। और अभी हम खड़े हैं भाई ब्यावरा पार करके, और फाइनली यहाँ का ये नज़ारे हैं। तो भाई देख सकते हो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जा रही हैं रोड पे, और क्या है ना इधर ठंडी ज़्यादा लग रही है। तो यार अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और दिन कुछ ऐसा है, तो जस्ट 15 मिनट पहले पहले मेरे से गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही थी, 15 मिनट पहले सारी गाड़ियाँ गई। अभी अपना भी प्रेशर बन चुका है, तो भाई मिलते हैं। और गाइस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो, हम आपको ट्रक लाइफस्टाइल और ऑल इंडिया ट्रक ट्रैवल ब्लॉग दिखाएंगे। और चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो। क्या है ना ये मेरा गेट जो है ये अब अंदर से खुलने का लायक नहीं है, ये लॉक ख़राब हो गया। तो यार अभी क्या कैसे कैसे उतरता हूँ ना मैं जानता हूँ इसका, यानी बहुत सारा काम पड़ा वहीं पे करवाएंगे सीधा। तो गाइस चलो फिर कंटिन्यू करते अपना ब्लॉग। कोहरे कोहरे, अभी आप 11:30 बज चुके हैं, दिन के 11:30 रात के। अभी यार सामने देखो कितने कोहरे हैं, और सच बताऊँ ना पता चल रही है ठंडी क्या होती है। जब से मैं साउथ साइड था तो मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था यार ये ठंडी भी होगी ऐसी सच में। अभी यार ठंड का पता चल रहा है यार, अभी ऐसे ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ये पाँव देखो अभी ये टी शर्ट और लोवर पहन के तो चल रहे हैं धीरे धीरे। और अभी यहाँ से शिवपुरी 82 किलोमीटर यार दे रहा है, तो अभी आके लगभग टाइम भी हो गया, तो चलते हैं कहीं ढाबे साबे पे लगा के खाना पीना खाएंगे, फिर निकलेंगे। भाई चटनी महक रही है, गाँव वाली चटनी है धनिया की, वो वाली चटनी महक रही है, कहाँ से महक रही है पता नहीं भाई। अभी यार धीरे देखो गाय का नज़ारे, यार गाय वाय ना इसी रोड पे गाय वाय ज़्यादा मिलती है, थोड़ा बहुत बस बचा के चलना पड़ता है, नहीं तो कब किसके टायर के नीचे आ जाए भाई कुछ पता नहीं चलता। देख रहे हो भाई कुछ दूर आगे बढ़ा हुआ, 10 किलोमीटर चला यार। अभी देखो ये नज़ारे आ गए कि सामने कुछ देख लो, भी दूर है ड्राइवर, देखो भाई कितना कोहरा है, ये सामने वाली गाड़ी वाले देखते हैं। अभी मेरे हिसाब से आगे तो और कोहरा होने वाला है, देखो भाई ठंड का महीना भाई, आज 5 तारीख हो गई, 5/1/24 यार क्या बताएं, ठंड पड़ रही है। और अपने पास जैकेट स्वेटर कुछ है नहीं, क्या बताएं। मैं सोचा था 1 महीने और चलाता उधर, पर आना पड़ गया इधर ठंड में। वही होता है ना जहाँ लिखा होता है वहाँ पे आदमी जाएगा जरूर। यार देखो चल रहा हूँ मैं सीधा पार्किंग लाइट जला के चल रहा हूँ भाई, क्योंकि गाड़ियाँ दिख जाएंगी दूर से। लो जी सरसों से पीला पीला खेत, और चने से हरा हरा खेत,
सामने आ गया हमारा राजस्थानी ढाबा PMT IBC, वही मेरी गाड़ी का नाम दिखाई नहीं है यार। यहाँ पे चलते हैं, रोटी वोटी खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से भाई ये होटल में देखते हुए आ रहा हूँ। तो भाई यार रुक चुके तो होटल पे, पर बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी ठंड है भाई, बहुत ठंड है इधर यार, क्या बताएं। स्वेटर नहीं है मेरे पास, ना जैकेट है, गेट भी बंद हो जाए यार इसमें तो ठंड में, थोड़ा सा वो घाव चोट लगती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। पर डीजल का चेक कर लेते हैं भाई, डीजल तो गाइस डीजल भी नप दिया यार, अभी 10 अंगुल डीजल है, उसको एंटू पिंटू करना पड़ेगा तो पता चलेगा कहाँ तक गाड़ी जाएगी। और अपनी कंपनी की गाड़ी वो आ गई भाई, बेंगलोर जा रही है और ज़िंदगी आज बर्बाद होने वाली है भाई। वो सामने रहा पानी, जो कि बहुत ठंड भी लग रहा है और नहाना भी है, बिना नहाए चल भी नहीं सकता यार, क्योंकि उधर महाराष्ट्र में नहाया नहीं था, अभी इधर नहाते हैं। और ये उस्ताद जी उस ड्राइवर उस गाड़ी के लेकर आ जाओ। हाँ अरे कहा तैला लिए हुआ पानी, कपड़ा नहा, हम तो नहाइए धो नहाई ठीक। तो भाई इस टाइम तो यार खाना ना खा के निकल चुके, और यार गर्मी, अरे यार ठंड ना बहुत लग रही है। और पानी उस्ताद जी को देखा तो बस कट बंदी बन के चल रहे हैं, देख रहे हो क्या करें, इनका कपड़ा ना पानी में गिर के पूरा भीग गया। इसके लिए अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो है वही पहने हैं, क्या बताएं। वैसे भी आज जाएंगे महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, वहां तो थोड़ा मतलब गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं जितना यार दिल्ली साइड जाऊंगा उतना ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं फिर, उस्ताद जी की गाड़ी सामने हो रही उस साइड में, ये जा रहे हैं बेंगलोर और हम फाइनली दिल्ली। तो उस्ताद जी का बल्ले बल्ले है क्योंकि ये गर्मी साइड जा रहे हैं और हम तो भाई दिल्ली हमारा रहेगा यार, ठंड ठंड रहेगा। तो चलो उस्ताद जी चले फिर, चलो ठीक है चलो हम चले यार अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि ठंड लग रही है ना। और उस्ताद जी चले अपनी गाड़ी की तरफ, फाइनली रोड पार कर सीट करके जा रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है इतनी ठंड लग रही है। तो चलो यार, मेरे में हवा कम है यार, मेरे में हवा कम है, हवा डलानी पड़ेगी, तभी चल के ना हवा डलाती हूँ वहाँ पे। वो रहा भाई टायर वाले के पास चलते हैं, क्योंकि यार अपने गाड़ी में ना हवा नहीं है, हवा डला लेते हैं। क्या हवा डलाने से गाड़ी और फ्री चलेगी और सही रहेगा, पंचर वगैरह होने का ना डर नहीं रहेगा। तभी सामने भाई है, क्योंकि पीछे जो होटल था ना उस पर यार मतलब पंचर वाले का हुआ नहीं, कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था, इसके लिए वहाँ से आ गया जस्ट वहीं 500 मीटर बाद ही है। पंडित जी बाबा, वैसे बताऊँ तो यार ठंड बहुत ही, यार सच बताऊँ मेरे पास कपड़े भी नहीं है गर्म वाले, तो वो यार टी शर्ट पहन के गाड़ी एक नीचे से टी शर्ट, तो देख रहे हैं फुल बाजू वाला, और यार ऐसे ऐसे ब्रेकर पता भी नहीं चलता यार, ऐसे ब्रेकर बनाते हैं पता नहीं चलता यार। ये काट रहा हूँ अभी जिंदगी अपनी थोड़ी थोड़ी, और दिल्ली में जाके यार पूरी काटेंगे गर्म कपड़े खरीद के। अभी फाइनली आ चुके टोल पे, यहाँ पे टोल का जो प्रोसेस होता है पूरा करके फिर निकलते हैं भाई। तो भाई ठंड का टाइम आ गया, अभी देख लो गर्मी गर्मी यार बहुत बोल रहा था, अब ठंड का मज़ा ले लो गाँव में। देख सकते हो यार
कितना शान से खड़ी है। अभी चलते चलते थकती जाती होगी यार इतना लोड लेके, और थोड़ा एक बार यार मतलब टायर का थोड़ा दिक्कत आ रहा है इशू, बस टायर चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टायर में यार वहाँ पे फूल गया था ना, कहाँ पे फूला था भाई, उसके लिए हर एक जगह पे टायर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये है भाई यहाँ पे क्रैक हो गया है, क्योंकि अगर बराबर चेक नहीं करूँगा ना क्या मालूम कहीं पे फट उठ गया तो यार दिक्कत आ जाएगी, इसके लिए बराबर चेक करता चल रहा हूँ। और फाइनली यहाँ पे रुका था चाय पीने के लिए, चाय भी पी लिया, अब निकलते हैं आगे। गिट्टक लगी है यार, निकाल देते नहीं तो क्या मालूम गिट्टक ऊपर चढ़ जाए ना तो पंचर हो जाएगा। माय लॉर्ड इज गॉड, एक बार इधर से भी, माय लॉर्ड इज परफेक्ट गाइस, कंटिन्यू करें ठंड में। शाम के भाई बज चुके हैं 6 और हमारे सामने लगता है इस साइड में ग्वालियर पड़ता है यार 25 किलोमीटर, तो इधर लगता है RTO, तो इसके लिए ना यहाँ पे लगभग रुक चुका हूँ और बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं, अभी रुकेंगी देखना एक आध दो और 4-5 और 2-4 इधर रुकी हैं, क्योंकि भाई RTO वाले ना इंडिया में वैसे पता होगा आपको बहुत परेशान करते हैं, ठीक, तो इसके लिए रुकना पड़ता है। और बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे लगी हैं दूसरे होटल का ही टोल पार करते ही, तो फाइनली मैं यही होटल खोज रहा था क्योंकि मैं कितनी बार इस होटल पे रुका हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे ला के रोक दिया आराम से, तो अभी निकलेंगे आराम से भाई 8 बजे। तो भाई साहब बच गए 8 भाई, हमारी गाड़ी का चक्का निकल चुका है आगे, फाइनली आगे सरदार जी का ढाबा होटल है भाई, और भाई सरदार जी का गाड़ी यार निकल रहा हूँ आगे, अब चलते हैं सीधा भाई ग्वालियर पार करेंगे। वैसे थोड़ा कम दिख रहा होगा ना क्योंकि भाई ये जो मेरी कैमरा है ना रात में थोड़ा कम यार वीडियो बनाता है, पर इसको लाइट ज़्यादा चाहिए थी तब अच्छा बनाता है। तो भाई तो धीरे धीरे करके ना बाईपास पार करते हैं ग्वालियर का,